बेतिया, जिस तरह बिहार में आए दिन पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाए जाना तथा आला अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों को मान सम्मान नहीं दिए जाना तथा पत्रकारों पर हो रहे आए दिन हमले आदि समस्याओं को लेकर वाल्मीकि प्रेस क्लब यूनिट वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के द्वारा गुरुवार को दिन शहीद पार्क से एक शांति मार्च निकाला गया और जिला पदाधिकारी से भेंट कर राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, निरंकर भास्कर, R9 भारत ब्यूरो चीफ अविनाश कुशवा, अतुल कुमार, शेखर सोनी, राणा प्रताप, राकेश कुमार, सुमित कुमार, धर्मेंद्र सोनी, अश्विनी कुमार, मिथिलेश कुमार समेत जिले के कई प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मौजूद रहे। दूसरी तरफ पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनय कुमार यादव के नेतृत्व में विरोध जुलूस निकाला गया और कहा गया कि देश के चौथे स्तंभ आज खतरे में है और इसकी रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। जबकि सत्ताधारी पार्टी की सरकार में पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसी हालत में उनकी पार्टी पत्रकारों के साथ। मौके पर युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर पत्रकारों की मांग में अपनी आवाज उठाई। अगर पत्रकार लोग न्याय नहीं करेगा तो पत्रकार लोग को भी न्याय नहीं मिलेगा। आज के डेट में देख लीजिए, जिसका सरकार बन गया है उसी के खिलाफ में बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट मिलता है और उसी का खबर छपता है। आज के डेट में देख लीजिए, पूरा देश महंगाई से परेशान है। ड्रग्स के केस में अडानी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा अडानी के एयरपोर्ट पर कौन सा ऐसा टीवी है जो चला दिया हो और कौन सा ऐसा मीडिया हो जो छाप दिया हो। अगर आप लोग मूक दर्शक बन के चाटुकारिता कीजिएगा तो परिणाम हम लोग तो भोगिए रहे हैं, जनता आप लोग को भी भोगना पड़ेगा। अगर देश को स्वच्छ करना है तो पत्रकारिता ही वो चौथा स्तंभ है जो देश को स्वच्छ कर सकता है। सत्य छापिएगा तो सत्य कड़वा होता है, उसका परिणाम अगर गलत होता है तो आगे जाके भविष्य को उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। हम लोग आपके साथ है, जहाँ भी खोजिए हम लोग आपके साथ है। शांति मार्च का उद्देश्य यही है कि आए दिन पत्रकारों पर हत्या और झूठी मुकदमा, हर झंडे तरह तरह के केस में फंसाया जाता है ताकि पक्ष के लोगों को मनगढ़ंत खबर नहीं छापने के चलते, और हम लोग मनगढ़ंत खबर नहीं छापते हैं और उसका कमी उजागर करते हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोग को तरह तरह से प्रताड़ना दिया जाता है और तरह तरह से प्रताड़ना दे करके किसी पत्रकार का हत्या किया, किसी पर केस मुकदमा दर्ज किया जाता है। पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे बिहार में लागू, जैसे यूपी सरकार और अन्य सरकार लागू किया है, बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाता है, पत्रकार को सभी सुरक्षा और फायदा होगा। उसे स्वास्थ्य, यातायात, कहीं भी जाने जाने में टूल टैक्स या कुछ भी नहीं लगेगा, रेलवे यात्रा में भी छूट मिलेगी उनको, हवाई सफर में भी छूट मिलेगी। और प्रशासन पत्रकार के जो भी आलोचना कर रहा है, कोई भी दिक्कत कर रहा है, उस पर तत्पर होकर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई नहीं करने की वजह से हम लोग आज क्षुब्ध हैं और ये शांति मार्च निकाले हुए हैं। अगर हमारे मांग नहीं माना जा रहा है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन अपना विकराल रूप पैदा करेंगे प्रशासन के विरुद्ध। प्रशासन को चेता दे रहे हैं पहले, इसके बाद क्या करेंगे अब कहना मुश्किल है। हम लोग शांति मार्च निकालने का मेन मकसद हमारा यही है कि चौथा स्तंभ मीडिया के साथ जो सरकार के तरफ से लापरवाही हो रही है और आए दिन तरह तरह के कांड सुनने को मिल रहे हैं, कहीं मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, कहीं जान से हत्या हो जा रही है और पत्रकारों को काफ़ी टॉर्चर भी किया जा रहा है। जबकि पत्रकार का मेन मकसद होता है कि समाज में फैली हुई बुराई को उजागर करना। ये अपना तन, मन, धन, बाल बच्चों को छोड़ करके हर तरह की फील्ड में उतर करके क्राइम के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं। सरकार को इनको सहारा देने के बजाय सरकार उल्टे में ही इनके साथ अत्याचार कर रही है। और जो यूपी में इनको फैसिलिटी है पत्रकारों को, हमारे बिहार में नहीं है। आज भी बिहार में पत्रकार सेफ और सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी जाने का डर सताता है। पुलिस के द्वारा भी कई जगह फर्जी मुकदमा है और पुलिस पत्रकारों के साथ अगर कोई मामला हो जाता है तो पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती। इससे सारे पत्रकार हिंदुस्तान के एक है और बिहार के खास करके पत्रकार एक होकर के हमारी यही मांग है कि जो फैसिलिटी, सुविधाएं पत्रकारों को यूपी में दी गई हैं वो हमारे बिहार में सभी पत्रकारों को दी जाए, वो सुविधा भी दी जाए। आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए वाल्मीकि प्रेस क्लब यूनिट ऑफ वाल्मीकि प्रेस तक इसका शांति मार्च निकाल के बेतिया DM के पास जाके आवेदन देंगे, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं आज के डेट में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिसके लेकर हम सरकार से 10 सूत्रों की मांग करते हैं और हमारी मांग को सरकार जल्द सुने। R9 भारत के लिए बेतिया से रिपोर्ट।
मझोलिया थाना क्षेत्र के बरवा वार्ड नंबर 8 निवासी नथु मिश्रा ने अपने ही दामाद को जेल भिजवाया। ये जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि नथु मिश्रा बरवा निवासी थाने में आवेदन देकर अपने दामाद को शराब के नशे में हो हल्ला और गाली गलौज करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराए। मिश्रा ने अपने दामाद उज्जवल कुमार उर्फ अभिषेक कुमार जो पूर्वी चंपारण के सगोली थाना अंतर्गत सुगांव गांव निवासी के खिलाफ शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करते हुए मारपीट के मामले में शिकायत किया था, जिसके आलोक में थाना कांड संख्या 657 21 दिनांक 1 दिसंबर 2021 धारा 341 323 504 506 भद्वीय एवं 37 सी विहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताते चलें कि अब पियकड़ों की खैर नहीं, क्योंकि अपने सगे संबंधियों ने भी अब पियकड़ों को सलाखों के पीछे भिजवाना शुरू कर दिया। कल दिनांक 1/12/2021 को नथुनी मिश्रा पिता स्वर्गीय गौरी मिश्रा साकिम बाबा वार्ड नंबर 8 थाना मझलिया के द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया कि इनके दामाद आशुतोष झा इनके घर बेटी और बच्चों के साथ आए थे, तो गांव के ही उज्जवल मिश्रा पिता कीमल मिश्रा साकिम बरवा वार्ड नंबर 9 के निवासी इनके दामाद को मोटरसाइकिल पर हैंडल पकड़ के गिरा दिए, गाली गलौज किए एवं बहुत गंदा गाली दिए तथा मारपीट किए। इसकी सूचना मुझे दूरदराज पर मिली, यहाँ से तत्काल पुलिस बल को भेजा गया और उसको हिरासत में लिया गया। जब उसके मुंह से बहुत सारा स्मेल आ रहा था, इसकी जांच बेतिया से कराई गई। इनके जाँचों उपरांत 131/100 ml इनके शरीर में अल्कोहल पाया गया। तदनुपरांत पुलिस गिरफ्तार कर उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझोलिया पश्चिमी चंपारण से।